हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। सो बैड न्यूज आ गया गाइस। अब धीरे धीरे कंपनियां 5 दिन बुला रही हैं, जिसमें से TCS, इंफोसिस 50% बंदे को बुला रहे हैं। और ये न्यूज चारों तरफ है गाइस। आई थिंक आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, ये 3-4 दिन पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इसमें खासकर बाई फोर्सली एम्प्लॉय को बुलाया जा रहा है। गाइस, मस्ती के दिन वैसे भी चले जाने वाले हैं ये साल के बाद। मुझे पता है कि सारी कंपनियां एक दूसरे को देखा देखी इम्प्लीमेंट करेंगी और 100% बुलाएंगी। पहले इन लोगों ने हाइब्रिड रखा, कम से कम वीक में 2 दिन, 1 दिन आओ, 1 दिन 2 दिन आने के बाद इन्होंने हाइब्रिड में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई 3 दिन आओ इन अ वीक या 1 मंथ 12 डेज आओ। सो आना चालू हो गया गाइस। और अब इनका क्या है कि न्यूज आ रहा है, मेरे दोस्तों से भी न्यूज आया है, एक दो एचआर से हैं वो मेरी दोस्त हैं उनसे भी न्यूज आया है कि 5 दिन बाई फोर्सली बुला रहे हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट पे आपको नहीं आना है तो आप रिजाइन दो, निकलो। और हाँ, खासकर एक चीज और कि जो बंदे मार्केट में न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है कि उनको ये चीज बता दिया जा रहा है कि 5 डेज वर्किंग है, आपको आना है, नो हाइब्रिड वर्क। सो इस कारण से धीरे धीरे ये मॉडल भी खत्म हो जाएगा हाइब्रिड का और हर जगह ये इम्प्लीमेंट हो रहा है 5 डेज वर्किंग। सो मैं न्यूज भी मुझे मिला है, मेरे दोस्त हैं उनसे भी फोन पे बात हुआ है कि तुम्हारा क्या हो रहा है, हमारा तो ये इम्प्लीमेंट होने वाला है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे बंदे 50% जा रहे हैं, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे कंपनी में क्या हाल है। सो गाइस, बी ऑनेस्टली, अगर मैं अपने एचसीएल का बात करूं तो 3 दिन वर्किंग है, जाना ही जाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका अटेंडेंस अप्रूव नहीं किया जाता है बाय द एचआर की तरफ, जो भी तरफ से है। ये क्लियर मैसेज है आरएम के तरफ से, जो रिपोर्टिंग मैनेजर होते हैं उनके तरफ से, 3 दिन आना ही होगा आपको, चाहे वो आप किसी दिन 3 दिन चूज कर लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसा चूज कर लो आप। बट एचसीएल में भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, जैसे एचआर हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए और इंफ्रा के बंदे हो गए, 5 डेज वर्किंग है और वो जा रहे हैं और 5 डे वर्किंग। बिकॉज कि मुझे एक दो सन, क्योंकि एचसीएल से पीपल से मुझे बात होता रहता है, एक दो बंदे होते हैं जो अपना प्रॉब्लम पूछते हैं, तो उनसे मुझे पता चला कि भाई ये लोग 5 दिन जाते हैं। फिर मैंने अपने दोस्त से बात किया, फिर एक एचआर से बात किया कि क्या ये बात सच है कि वो टीसीएस वाले या इन्फोसिस वाले अब बाई फोर्सली बुला रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, 5 डेज आना ही होना होगा, हाइब्रिड खत्म हो गया। सो ये बात सच है गाइज कि अब बहुत सारे डिपार्टमेंट, मैंने बोला जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है, बाई फोर्सली इनको बुला रहे हैं और आपको जाना ही पड़ेगा। तो मजे के दिन खत्म गाइज। मुझे लगता है कि ये जब तक ये साल है, पुराना साल और नया साल आने वाला है, तब तक मजे कर लो आप। सुबह उठ के ब्रश करके लैपटॉप पर बैठ जाना और बिना खाए खाते रहो, मीटिंग लेते रहना, ये सब दिन गए खत्म। क्योंकि गाइज इसका रीजन है कि देखो, मार्केट में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मून लाइटिंग कर रहे हैं, रियली ऐसे बंदे हैं जो मून लाइटिंग कर रहे हैं, और कंपनी को डाउट भी होता है कि ये बंदा फुल टाइम वर्क नहीं कर पा रहा है, 100% वर्क इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, राइट? जो काम दिया जा रहा है वो 1 दिन का है, वो 10 दिन लग रहे हैं, क्यों गाइस? सो ये सब प्रॉब्लम आती है और इन्हीं सभी कारणों से वो 5 डेज बुला रहे कि आओ भाई, तुम मेरे नजर के सामने रहोगे और पूरा दिन काम करोगे, इससे इफेक्टिवली काम होगा। जो चीज पेंडिंग पड़ा हुआ, पेंडिंग पड़ा ही रह रहा है, मीटिंग ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। सो ये चीज है। और बंदे साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसर जॉब कर रहे हैं और साइड बाय साइड इनकम भी कर रहे हैं, रियली मैंने बहुत जन को देखा है गाइस करते हुए। तो इसी सभी रीजनों से कंपनी बुला रही है कि भाई बेटा बहुत हो गया, अब आओ, अब सीरियसली काम करो, और जिनको नहीं आना है वो बता दो, उनको 1-2 अल्टीमेटम मिलेगा, फिर उसके बाद से उनको फायर कर दी जाएगा। और खासकर जो बंदे नए मार्केट में आ रहे हैं उनको तो ये क्लियर बताया जा रहा है कि भाई ये हाइब्रिड मॉडल नहीं है, आपको 5 दिन ऑफिस आना होगा, कैसे भी आपको ज्वाइन करना है तो करो या फिर आप दूसरा देख लो। गाइस रियली मस्ती के दिन गए
और ट्रैफिक झेलो, 2 घंटा इधर से 2 घंटा उधर से, और 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस में। सो ये चांस कभी नहीं आने वाला। अगर आपके ऑफिस में अभी भी हाइब्रिड चल रहा है तो आप लकी हो। बाई गॉड, मेरे जो प्रीवियस कंपनी थे उसमें भी 5 दिन बुलाते, आज से नहीं, 9 मंथ 10 मंथ पहले से, जब कोविड था तब 3 दिन बुलाते थे। सो वी आर सो लकी कि 3 दिन जा रहे हैं गाइस। अगर गाइस आपको भी ऐसा लग रहा हो तो प्लीज आप फॉलो करो अपनी कंपनी को, रूल को, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है। बिकॉज कि ना वो आपको निकाल भी सकते हैं ऑफिस से, फायर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट मेरे दोस्तों के लोग के साथ भी आ चुका है। ईमेल, बकायदा मेल आया मैनेजर तरफ से, अगर आप इस पे इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो आप पे एक्शंस लिया जाएंगे, आप पे एक्शन लिया जाएगा। सो ये रिटर्न ईमेल आ रहे हैं बहुत सारे बंदों को। मेरे टीम में एक दो मेरे दोस्त हैं जो चेन्नई में हैं, वो नहीं जा रहे थे गाइस, बट उनके भी एक रिटर्न आया, एक बड़ा सा ईमेल, कि अगर ऐसा दोबारा करते हैं तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। तो गाइस ये एक आदत लगाना होता है, ये वो धीरे धीरे आदत लगा रहे हैं, आदत लगा रहे हैं कि भाई 1 दिन आओ, फिर कुछ दिन बाद 2 दिन आओ, फिर 3 दिन आओ, और फिर 5 दिन आओ। तो टेंशन वाली बात है यार, मुझे भी बड़ा सदमा लग रहा है कि 3 दिन पहले बुला रहे थे, अब कहीं 5 दिन ना बुलाते। मुझे 100% श्योर हूँ कि ये 1 साल खत्म होने के बाद आप देख लेना गाइस, जनवरी या फरवरी से ये लोग 100% का एक ईमेल देंगे कि भाई आ जाओ, और आना ही होगा, अगर नहीं आते हो तो फिर आप पे एक्शंस लिया जाएगा। सो गाइस अगर आप रिमोट कर रहे हैं तो यू आर सो लकी, अगर रिमोट नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ मेरा सिंपैथी जुड़ा हुआ है। और गाइस प्लीज ऐसा करो कि यार अगले साल भी रिमोट चले और जाना ना पड़े, बिकॉज ट्रैफिक कौन चलेगा, 10 घंटा 12 घंटा ऑफिस से लगे पड़े आ रहे हो और थके आ रहे हो, हिसाब हो जाता है गाइस। सो गाइस चलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, और कुछ भी इश्यूज है, कुछ भी दिक्कत है, सो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल्स है, आप पिंग करो और ईमेल करो, और जैसा होगा मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा गाइस। बाय बाय, टेक केयर।